नमस्कार मु आपणकर मधु स्वागत करुच्छी आपण मानको भक्ति जिज्ञासा कार्यक्रम आउ एक नूतन अध्याय को तो निहाती भाव आज आपण समस्त सामने आसी अच्छी तो निहाती भाव में किसी सुंदर प्रश्न सहित आसी प्रश्नर उत्तर रखिए आम समस्त अति प्रिय विज्ञ प्रवाचिका कल्पना मैडम। नमस्कार मैडम, स्वागत आपको। नमस्कार, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर शाढ़ीटे आप पिंधि आड़ीटी को देखिक मोर गोटे सुंदर दिन कथ भी मन पड़ू। कौ दिन आम ओडिया घर मानक माँ लक्ष्मीकर गोटे सुंदर व्रतटे अच्छे सुंदर पूजा दिन टे अच्छे जहाँ को आम सुदशा व्रत बोली कहते। बहुत बढ़िया। तो सुदशा व्रतर महात्म्य आज टे आप जानवाक चाहिए कहीं विधि कौन आ सुदशा व्रत कौन सब करवा दरकार आपण। नारद जाइंट इंद्र भुवन को इंद्र को पचारे मानने इंद्र पाखे पहुँचिले इंद्र कौन कहे गोड़ हाथ सब धुआ धुई कर बसइले तेणु नारद को पचारूँच इंद्र कहते हे मुनि गोटे कथा पचार कौन ना केवण व्रत कले केवण फल पाई घरणी पुत्र दुहिता के मंत मिल क्यों व्रत कले घरणी भल मिल पुत्र भी दुहिता भी आन रत्न ता सहित नारी मैने कौन एमती गोटे व्रत करेंगे जो व्रत कले अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती धनवती ये सब किसी रही पारे एमती गोटे व्रत कौन अच्छी। नारद कहले हाँ अच्छी ना कहले कौन सी व्रतटी ना शुक्ल दशमी हेले गुरुवार दिन हुआ सुदशा व्रत शुण दे मन कहले सुदशा व्रत शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे सुदशा व्रत पड़े जो समय रे शुक्ल पक्ष दशमी आसीबो ए वर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि अगस्त मास 15 तारीख गुरुवार दिन पड़ुची हैला तेणु जदि कहले शुक्ल दशमी गुरुवार जी पड़गला से दिन नारी मैने सका उठी घर द्वार लिपा पोछा करी किंबा ता पूर्व दिन राति रे लिपा पोछा सारी दे सारा पर दस प्रकार जो पद्म काटिबे दस पाखुड़ा करी पद्म काटिबे झोटी लिखिबे झोटी रे कलश गोटे बसइबे से दुब दस टी बरकली पत्र दस टी गुआ तर जी नुआ करेंगे एथरक नुआ करें किसी असुविधा नहीं भगवान को डाकबारे सुविधा असुविधा किसी दरकार नहीं आज भल कम करने कौ मुहूर्त भी आपंट किंतु नकले आपणकर दोष घर गृहिणी हाबक आपको सुदश व्रत करने सुदशा हेल्ले कुदशा आपण पल तेणु कौन कले ना दस टी बरकली पत्र रखिए दस टी गुआ रखिए हलदी पा से गुआ को धोईक तापर रखिबे तापर दस टी दुब रखिबे दस टी धला फूल रखिबे तापर सिंदूर लगे जिवे दसटा दस थर माने दसटारे सिंदूर लगेबे दसटारे चंदन लगेदेबे तापर कौन करिबे आउ दस टी दुबरे गोटे धला व्रत आनी से व्रत को हलदी पा आ गंगा पा धोई धोई सारा से व्रत में दस टी दुब दस टी बरकली पत्र गोटे धला फूल दे गुड़ी से पाखे रखिए सी जो कलशटी आप बसई से कलश उपर आंब डाल नड़िया सब रखिले आप दस टी मंडा करेंगे दस टी मंडा कर सारी भगवान पाखे पूजा करेंगे पूजा कर सारे लक्ष्मीकर दस गंठीर नाम देकर गोटे गोटे गंठी गोटे गोटे सूतार गंठी पकाते प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी तृतीय गंठीर नाम हरिहर प्रिया चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया पंचम गंठीर नाम कमला तापर चंचला तापर सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलणी नवम गंठीर नाम दुर्गतिनाशिनी दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी ये लक्ष्मीकर दस नाम धरिकी दस टी गंठी देवे लक्ष्मी नारायण बोली सुमरणा करेंगे पुणी रखिए जो सुदशा व्रत बहटी अच्छे से बहटी की पाठ करेंगे दी थर लेखाई देखिए गंठी कथा प्रथम देला बेलू गंठी की देकर पढ़ी पढ़ी गंठी दे कि रखिदेवे द्वितीय थर जो गंठी पड़ब से गंठी की बेलू धरिकी गोटे गोटे गंठी की टच करते गोटे गोटे गंठीर ना पड़ुवे धरी कर सारापर तापर कौन कर सब थोले पा चढ़ेले आरती करेंगे जा सूर्य को पा दे सारापर
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଡାଣ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବାଁ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ବାଁ ହାତ ହେଉଛି ଶୁଭ, ବାଁ ହାତରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡାଣ ହାତରେ ଅଛି ଡାଣ ହାତରେ ଲଗାଇବେ। ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ 10ଟି ମଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଆଗେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଦିନମାନ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକରି ନହେଲେ ଯାହା ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ଖାଇକରି ଦିନମାନ ରହିବେ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦଶା ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲେ ଘରକୁ ଝଗଡ଼ା ଆସିବନି, କଳି ଆସିବନି, ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି, ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଲାଗିବନି, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଘରକୁ, ତେଣୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଆପଣମାନେ ପାଳନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିଜ୍ଞାସା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆସୁଥିବୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।